बातें करके आप लोग के बारे में आए हैं, बहुत अच्छा चीज है। चलिए शुरुआत करते हैं, डीएमआईटी टेस्ट हम करते हैं। डीएमआईटी टेस्ट का मतलब होता है डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसी भी बच्चे का एक उंगली का तीन फिंगरप्रिंट लेते हैं, उस बच्चे का आंखों में टोटल 10 उंगली है, टोटल 30 फिंगरप्रिंट लेते हैं। इसके बेसिक पर एक रिपोर्ट बनती है जो कि 25 पेज की होती है। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स में दी जाती है। उस बच्चे का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ज़्यादा डोमिनेट करता है, बच्चे पढ़ाई में ही करियर अपना बनाते हैं। किसी को मान लीजिए राइट ब्रेन अगर काम करता है तो राइट ब्रेन वाले बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेंगे, लेकिन खेलकूद में अधिक माहिर रहते हैं, मैनेजमेंट में अधिक माहिर रहते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का कहना है कि बच्चे के दोनों ब्रेन के बीच 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम और आप यह नहीं कर सकते कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे तीन तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको देखा हुआ बहुत याद रहेगा, विजुअल मोड के बच्चे होते हैं, या तो उनको सुना हुआ बहुत याद रहेगा, ऑडिटोरी मोड के बच्चे होते हैं, या तो उनको हाथों से लिख लिख के याद होगा, काइनेथेटिक मोड के बच्चे होते हैं। तीनों में से जो भी बच्चा आगे पीछे पता लेकर के हुआ है, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे अगर पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको 2 घंटे में बच्चे याद करते होंगे, वही क्वेश्चन का आंसर आपको आधे घंटे में याद करेंगे। इसके साथ साथ 8 तरह की इंटेलिजेंस भी दी जाती है बच्चे के अंदर, जो कि पहला होता है इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, या इसका लॉजिकल पावर अच्छा है, या इसे देखा हुआ याद रहता है, या इसे अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद करता है, या इसे घर के काम में आलस है या बाहर के काम में आलस है, रिपोर्ट में दिया हुआ था। इसके अलावा म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है बच्चा का, ये दिया हुआ है। इसके अलावा लैंग्वेज में कैसी पकड़ है बच्चे के, इंग्लिश हिंदी, इस समय पता चलेगा बच्चा की कितना इंटरेस्टेड है। इसके अलावा बच्चे के अंदर 4 तरह के फिगर दिए, पहला होता है आईक्यू लेवल, बच्चा पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी में कैचिंग पावर कैसी है, रिपोर्ट में दी हुई आती है। इसके अलावा ईक्यू लेवल भी आता है, इमोशनल क्वेश्चन, कि अगर बच्चे को अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है या गुस्सा करता है या रोने लगता है या मन में सुसाइड करने का विचार आता है, अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा सीक्यू लेवल भी आता है बच्चे को, कि बच्चा आपका कितना रचनात्मक है। इसके अलावा एडवर्सिटी क्वेश्चन दिया हुआ आता है कि बच्चे के आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा यूज कराने के कारण आपने अपने बच्चों में नोट किया होगा कभी कि बच्चे एग्जाम की पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आता है, एग्जाम में जब बैठते हैं बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दिमाग कहीं सर से गायब हो जाता है बच्चे का, कुछ कुछ ऐसा भी होता है। कुछ बच्चे स्टेज पर जाने से डरेंगे, अनजान लोगों से बात करने में घबराएंगे, ऐसा देखने में आता है। इसके साथ साथ ओवरऑल रिपोर्ट के वीकनेस के आधार पर करियर भी दिए जाता है बच्चे के, कि बच्चे को किस करियर में बैठाया जाए कि सबसे ज़्यादा सफलता पा सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है तो उसके माँ बाप चाह रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग करवाएंगे बच्चे को, लेकिन कौन सा इंजीनियर उसका ब्रेन पकड़ रहा है वो समझ नहीं पाता है बच्चा। उसके रिपोर्ट में दिया हुआ आता है, सबसे पहले आएगा कंप्यूटर का इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इसके साथ साथ MBA भी कोर्स आता है, कि MBA भी बच्चे को कराया जाता है। MBA भी बहुत तरह के कोर्सेस हैं, जैसे चार का MBA हो गया, टूरिज्म का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया। इसके साथ साथ आपका बच्चा CA भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, IPS या खुद का काम करेगा, बैंकिंग में जाएगा, लेक्चर बनेगा, जो भी होगा एक करके रिपोर्ट में दिया हुआ था। इसके अलावा बच्चे के अंदर एक चीज़ और आता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चलते रहता है, इसके बारे में भी आइडिया लगता है। तो आप वैसे ही बच्चे के साथ अगर बिहेवियर करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग बहुत शानदार बच्चे से चलेंगी, तो आपका अनुकूल आपका बच्चा चलेगा। स्टेज में इंग्लिश को दूर करने के लिए हम लोग एक रिमेडियल प्रोग्राम भी कराते हैं, जो कि 12 दिन की क्लास होती है। उस क्लास में 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, जो कि संडे 3 महीने की क्लास चलती है। इसमें बच्चे को सबसे पहले 40 दिन के क्लास कराने से फायदा क्या होता है कि याददाश्त उसका बहुत अच्छा हो जाता है, जो 2 घंटा में बच्चे याद करेगा वो आधा घंटे में बच्चे याद करते हैं। उसके साथ साथ स्टेज पे आने से स्टेज पे जाने का क्रेज आ जाता है। उसके साथ साथ बच्चे में 2 घंटे वाले जो प्रश्न उत्तर याद करते होंगे वो आधे घंटे में बच्चे याद करेंगे। उसके साथ साथ एक मेडिकल पावर भी बच्चे में आ जाती है, कि बच्चे को अगर आंखों पर पट्टी बांध दे तभी बच्चे सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हम और आप खुली आंखों से करते हैं वैसे बच्चे बंद आंखों से कर सकते हैं, जैसे किताब पढ़ना, मोबाइल का मैसेज पढ़ना,
ये सब चीज करना बच्चे में एक्टिविटी आ जाता है। तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे, हमारे पास बच्चे हैं जो कि आपको मोबाइल का मैसेज पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, कोई भी चीज दीजिएगा आपको पढ़ लेगा। देखना चाहते हैं आप लोग? yes. चलिए ठीक है, दिखला। ये नंबर क्या है आपका? 12/5/2015 विदाउट देखे हुए बता रहे हैं, करेक्ट है। इसमें से कलर आप अपने कलर बता सकते हैं, कौन सा कलर है इसका? कलर पकड़िए, ये व्हाइट है और थोड़ा थोड़ा गुलाबी तरी है। थोड़ा थोड़ा हरा और थोड़ा थोड़ा पीला है। थोड़ा हरा थोड़ा पीला। इसका कलर बताएंगे ये, ठीक ना? बताना है करेक्ट है या फॉल्स है? ग्रीन है। ग्रीन कलर है। काला है। ब्लैक कलर। और कुछ पूछना चाहते हैं? ये व्हाइट है, ये बैगनी कलर है। गुड। ये कोई जादूगर हम नहीं सिखाते हैं बच्चों को, जो 12 दिन हम क्लास कराते हैं उसमें ब्रेन जो है एक्टिव होता है, बच्चा का यादव बहुत बढ़ता है, उसका रिजल्ट में दिखलाता है कि बच्चा में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उसका रिजल्ट पहचानने का हमारे पास। हमारे पास 5 तरह के सेंस होते हैं, उसमें से एक सेंस को रोक दिए हैं, मान लीजिए आंख से देख रहा है, उस सेंस को रोक दिए तो दूसरी सेंस